नमस्कार दोस्तों, नागपुर न्यूज़ टीवी पर एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम हैं नागपुर महानगर पालिका के एडिशनल कमिश्नर मिस्टर राम जोशी सर के साथ में। जो हालात लॉकडाउन को लेकर लगातार बदलते रहते हैं, और कल रात में एक लेटेस्ट न्यूज़ ये आई थी कि नागपुर में रेड जोन फिर से कर दिया गया है, तो इसी सिलसिले में और ईद की कुछ सिलसिले में हम मिस्टर राम जोशी सर के पास में आए हैं। सर नमस्कार, नागपुर न्यूज़ टीवी पे आपका बहुत स्वागत है। सर, जो नागपुर कल शाम तक नॉन रेड जोन था, उसके बाद फिर से नागपुर को रेड जोन करार दिया गया है, तो इसकी कोई खास वजह? नागपुर, आप जो बोल रहे हैं नागपुर नॉन रेड जोन में था, ये सही नहीं है। अच्छा, नागपुर पहले रेड जोन में ही था। 19 तारीख को राज्य सरकार ने कुछ आदेश निकाले, उन्होंने ऐसा कहा था कि 22 तारीख से कुछ शहरों को जो रेड जोन में रहेंगे, और इसका इम्प्लीमेंटेशन 22 तारीख से होगा। अच्छा, उसमें नागपुर का नाम नहीं था। अच्छा, उसके बाद नागपुर प्रशासन द्वारा, आयुक्त द्वारा नागपुर की पूरी इंफॉर्मेशन फिर से राज्य शासन को भेजी गई, और उन्होंने कल शाम को इस आदेश में नागपुर को भी रेड जोन में डिक्लेयर किया। अच्छा, ये कन्फ्यूजन था लोगों का, लोगों को ऐसा लगा कि नागपुर रेड जोन से हट चुका है। तो सिर्फ 22 तारीख से हटने वाला था, लेकिन 21 तारीख को शाम को ही पता चला कि वो फिर से इंक्लूड किया है। 22 तारीख से ये वैसे भी ऑनवर्ड आदेश होने वाले थे, काम तो उस तहत 21 तारीख को ही मनपा आयुक्त द्वारा, जो स्टेट ने जिन मनपा के शहर बाउंड्री को रेड जोन में डिक्लेयर किया, उस तहत आदेश भी निकाल दिए, और रेड जोन में जो जो एक्टिविटीज अलाउ है, जो नहीं है, उसको भी प्रॉपर लिस्टिंग करके सभी तक पहुंचा दिया है। अच्छा सर, एक बात बताइए कि जैसा अभी रमजान का पवित्र महीना मुसलमानों का चल रहा है, इसी के पहले जो है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती भी आई थी, तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती में भी जो है जो हमारा बुद्धिस्ट समाज है, उन्होंने बहुत शांतिपूर्वक तरीके से जयंती को मनाई, और आज तकरीबन 28 रोजे हो चुके हैं, और मुसलमान भी लगातार लॉकडाउन का पूरा सपोर्ट कर रहा है, मस्जिदों में 5 से ज्यादा लोग नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या ईद के लिए कुछ प्रशासन की तरफ से छूट दी जा सकती है? पहले तो सभी मेरे मुस्लिम भाइयों को ईद के लिए मुबारकबाद देता हूँ। रमजान के जो रोजे आपने रखे हुए, उस रोजों के दरमियान भी बहुत अच्छा व्यवहार सभी के द्वारा रहा है। आपके काफ़ी एनजीओस भी, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस जो एनजीओस थे, उन्होंने भी इस दौरान बहुत अच्छा सहकार्य किया हुआ है, सहयोग रहा है, और आगे भी रहेगा, यही मैं उम्मीद करता हूँ। शासन द्वारा यही हमें जो आदेश मिले हुए हैं कि आप इनसे अपील भी कर लीजिए कि हर मुसलमान ने अपना जो ईद का लिए जो प्रेयर करते हैं, जो नमाज पढ़ते हैं, वो अपने अपने घरों में रख के कीजिए। अपने अपने धार्मिक भावना जो व्यक्त करना है, वो घर के अंदर ही रख के कीजिए, और इस रमज़ान के लिए फिर एक बार मैं आप सबको बधाई देता हूँ, शुभचिंतक शुभेच्छा देता हूँ, और अच्छे से अच्छा रमज़ान मनाइए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का यूज और हैंड वॉश का बार बार इस्तेमाल, जो जो कि हम थोड़ा सा कम करने लगे हैं, उसके तरफ फिर से ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक लग रहा है। आप सबसे एक पॉजिटिव रिस्पांस का उम्मीद है, प्रशासन को यहीं सहयोग अगर मिलता रहा तो हमारा नागपुर का परफॉर्मेंस देखो तो पॉपुलेशन के हिसाब से हम लोग अच्छा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप लोगों की सहायता से उसमें हम लोग काफ़ी परसेंट तक सही भी रहे हैं। यहीं अगर आपकी हेल्प रहती मिलते रहेगी, कोऑपरेशन मिलते रहेगा, तो नागपुर जल्दी ही हम इस कोरोना कोविड-19 से लड़ के फिर से अपना नॉर्मल लाइफ बिताने में कामयाब। अच्छा सर, ये जो लगातार जो आपके पास में रिक्वेस्ट भी आ रही होंगी, जैसा अभी महाराष्ट्र से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हाजी सोहेल पटेल और खुद्दाम कमेटी ताजाबाद शरीफ से आपको ज्ञापन सौंपा गया है कि ईद के लिए जो परमिशन दी जाए, अगर पॉसिबल हो तो इसका भी आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बहुत अच्छी तरीके से समझाया,
नागपुर वासियों को, स्पेशली नागपुर वासियों को, क्योंकि नागपुर महानगर पालिका से है हम लोग, तो नागपुर वासियों को एक छोटा सा कोई मैसेज ईद के रिगार्डिंग अगर आप देना चाहे तो। देखिए, नागपुर अभी रेड जोन में है, हमारी 400 से ज्यादा पॉजिटिव केस आए जी। हमारे मेडिकोज, पैरामेडिकोज, प्रशासन पूरी तरह डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं। उसका नतीजा भी हमें दिख रहा है कि इतने सारे केसेस और इतनी बड़ी पॉपुलेशन में हमारे यहाँ 7 डेथ आज तक हुए हैं। जी हाँ, मुंबई में बहुत बुरे हाल है, मुंबई में बोलो, पुणे में बोलो, सूरत में सबसे ज्यादा बुरे हाल। अपने से छोटी छोटी सिटियाँ जो है, औरंगाबाद देखो, अकोला देखो, अमरावती देखो, उस कंपेयर में नागपुर के पॉपुलेशन के तहत हम लोगों ने डेथ पे अच्छा कंट्रोल ला लिया है। तो यहीं अगर हम लोग और थोड़े दिन तक ऐसे ही रेड जोन की सभी बातें, सभी निर्देश अगर परफॉर्म करते रहे जो शासन ने दिए हुए, क्योंकि ये सिर्फ शासन के आए हुए आदेश जो है वो एक अभ्यासगत होता है, एक जिस पर हर चीज की पढ़ाई करके, हर चीज को देख कर ही ये निर्णय लिया जाता है। एक्सपर्ट्स ओपिनियंस होते हैं, अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, एनवायरनमेंट स्पेशलिस्ट होते हैं, ये जो एपिडेमिक है उसके स्पेशलिस्ट होते हैं, और इन सब की बातें नज़रअंदाज रख के ये शासन निर्णय लेता है। जबकि उन्होंने रेड जोन में हमें लिया है, तो हमने उस रेड जोन के तहत जो भी उन्होंने निर्देश दिए हुए उसका पालन करने की ज़रूरत है। मुझे पता है नागपुर सिटीजन्स काफ़ी फॉलोअर्स है सभी इसके, तो नागपुर के सभी सिटीजन्स इस सभी निर्देश को पालन करेंगे। आप सबसे यही उम्मीद है, और नागपुर शहर जो कि अभी रेड जोन में आए हुए हैं उन्हें उसे कायम स्वरूप से हम लोग रेड जोन से निकालने के लिए कुछ और दिन यही मेहनत करते रहेंगे। आप सबका सर एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, नागपुर न्यूज़ टीवी से बात।